हज यात्रा से पहले झारखंड राज्य हज कमेटी की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता विधायक कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी साहब ने की है। हज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कई महत्वपूर्ण बैठक थी, उस बीच में ये बैठक की है, ये क्या माना जाए कि इस बार जो झारखंड से आज मैंने निकल रहे हैं वो किसी तरह दुश्वारी नहीं? देखिए, झारखंड के लिए गर्व की बात है और लोगों में उत्साह भी है। कोविड के बाद लोग यहाँ से फ्लाई नहीं कर पाए थे, तो अब इमिग्रेशन पॉइंट हम लोगों ने राज्य लिया है जी। और इस बार सभी लोगों में एक जश्न का माहौल है, उत्साह भी है, लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं जी। तो हमें लगता है कि इस बार हम लोग एकदम हर तरह से जी, सुविधाओं से एकदम पूरक करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। सभी लोगों का सुझाव लिया है, स्पेशल अहम बैठक आज हमने बुलाई जी। सभी मेंबर्स भी है यहाँ पे आए, हमारे सीईओ साहब जो वो भी है, सारे पदाधिकारियों के साथ मेरी वार्ता हुई और सबके सुझावों को लिया है जी। और जो सबका हम लोगों ने जो मंतव्य ले लिया है और 8 तारीख को जी उस पर हम लोग निर्णय लेंगे, और जिसमें हमारे मंत्री भी रहेंगे, जिले के सभी वरीय पदाधिकारी भी रहेंगे, पासपोर्ट ऑफिसर भी हम लोग बुला रहे हैं जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो भी पदाधिकारी सबको बुलाकर जी एक अच्छी तरह से इसको अमली जमा जमाकर हम लोग अंजाम देने का काम करेंगे। और जितने लोग इस बार हमारे जा रहे हैं लगभग 2700 जी, एक आंकड़ा बता दीजिए एग्जैक्ट क्या? 27 मैं बता रहा हूँ आपको, 2767 जी। तो ये टोटल हमारे हाजी लोग हैं जी, और इसमें से 391 जो कलकत्ता से फ्लाई करेंगे, 351 और 2376 यहाँ से करेंगे जी। तो उसके लिए हम लोग व्यापक तैयारी कर रहे हैं जी, युद्ध स्तर पर भी। आपने कहा कि जो गो फर्स्ट एयरबाइक था, मैं इसका जो दिवालिया होने की बात बिल्कुल देखिए, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी वो गो एयर से हुआ था जी, और हम लोग सबको ये भी बता दिए थे कि गो एयर से आपको फ्लाई करना है जी। पहले कलकत्ता में थे तो एयर एमिरेट्स से हुआ था जी, अब इस बार गो एयर से था। लेकिन गो एयर जो है अब दिवालिया, मतलब उसका दिवालिया निकल चुका है, हादसे पे चला गया जी। अब सभी जो हज में जाने वाले लोग हैं जी उसको चिंता सता रही है कि मेरा क्या होगा जी, अब हम कहाँ जाएंगे। ये ऐसे समय में जब लोग तैयारी कर लिया पूरा, पैसे दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, और उसके बाद अगर फ्लाइट का ये दिवाले पर निकलना तो कहीं ना चिंता का विषय है जी जी। उसके लेकर मैंने चिट्ठी लिखा है और मैंने स्मृति निर्गत किया है जी जी। और देखिए मंत्री लोग हैं, बड़े लोग हैं जी जी, लेकिन इरफान अंसारी सक्षम है जी, हमारे मेम्बर्स सक्षम है जी। हम लोग अपनी मंत्री आएंगे ऐसा तभी हम हाजियों को भेजेंगे थोड़ी है जी जी। इतना बड़ा सेटअप है, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे मेंबर्स हैं, मैं हूँ जी, हम लगे हैं। और इससे पहले भी हम कलकत्ता से जब सेटअप अच्छा भेजे हैं तो ये तो दूसरी बात है। या तो एक सवाल ये है कि भवन का सदुपयोग नहीं होता, साल में एक बार थोड़ा सा एक्टिविटीज होती है, उसके बाद में कहा था कि हम यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हम कोचिंग देंगे, प्राइवेट क्लासेस अभी झारखंड देखिए जब से स्टेटस नहीं मिला चेयरमैन, और जिसके कारण हम सेंट्रल का जो पैसा है नहीं ला पा रहे। दिल्ली में बैठक में मैं गया था जी, वहाँ पर मुझे विधायक आप कौन हैं क्या हैं अच्छा इस तरह का सवाल, अब बैठक में मुझे नहीं शामिल करना। अब सेंट्रल कमेटी का ये कहना कि नहीं आपको वहाँ से कोई चिट्ठी नहीं आई है अच्छा। हम कैसे मान लें आप हज कमेटी के चेयरमैन हैं अच्छा। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और जब स्टेटस है आप दीजिएगा तो आपका कुछ लॉस नहीं है, सेंटर से हम पैसा ला सकते थे। और अभी जो आप कोचिंग की बात कर रहे हैं जी, तो बैठक में रहता तो सेंट्रल का पैसा भी आता है, मैं लेके आता पैसा। आज झारखंड से फ्लाई अगर कर रहे हैं तो इरफान अंसारी की देन है, मैं जाके हंगामा कर दिया उसका ऑफिस में जी, पैसा हमारा ले रहे हैं, लोगों का अपराध नहीं दीजिएगा, करता भीजिएगा आप, कितना दुर्दशा होता है, कितना मुसीबत होता है, कितना कष्ट होता है, इन सारी बातों से मैंने अवगत कराया। तो कहीं ना कहीं जब तक अपनी बात को नहीं रखिएगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा। तो मैं तो लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं राज्य सरकार के हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री से मैं मांग करूँगा कि कम से कम हज कमेटी तो उसकी मान्यता दे दीजिए जी, बहुत सा काम रुक जाता है, बहुत सा जानकारियाँ आदान प्रदान नहीं हो पाती चिट्ठी के माध्यम से। बैठक में जाइएगा तो वहाँ अपनी राय भी दीजिएगा, गेन भी कीजिएगा, अच्छे सुझाव भी दीजिएगा। तो मुंबई में बैठक होती है, लखनऊ में होती है, दिल्ली में होती है जी, तो हम लोग नहीं जा पाते हैं।
एक आखिर सवाल, ये भवन जो रख रखाव है वो तब तो मार्क नजर नहीं आ रही है, देखिए जब तक इसकी मान्यता नहीं दीजिएगा ठीक है, सेटअप संस्था नहीं चल पाएगी ना, संस्था चलती है सरकार से, अपनी सरकार इस तरह की बात करना नहीं, सरकार को हम लोग बताएंगे, अब लगता है कि समय आ गया है। देखिए अभी लगभग 2800 हाजियों को हम लोग भेज रहे हैं, कितना चैलेंज, रात दिन हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, एकदम दिन रात सबका पासपोर्ट लाना, पासपोर्ट के लिए बम्बई भेजना, अब 2700 पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, पुलिस चेक करती है कहाँ से लाए पासपोर्ट भाई, बहुत सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, दिन रात में लगा दिया काम करने के लिए, अभी हम भाड़े पर लड़का को ले रहे हैं। मैंने कहा था कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गो एयर से हुआ था, और हम लोग सबको ये भी बता दिए थे कि गो एयर से आपको फ्लाई करना है जी। पहले कलकत्ता में थे तो एयर एमिरेट्स से हुआ था जी। अब इस बार गो एयर से था, लेकिन गो एयर जो है अब दिवालिया, मतलब उसका दिवालिया निकल चुका है, हादसे पे चला गया जी। अब सभी हाज जो हज में जाने वाले लोग हैं जी, उसको चिंता सता रही है कि अब मेरा क्या होगा जी, अब हम कहाँ जाएंगे, ये ऐसे समय में जब लोग तैयारी कर लिया पूरा, पैसे दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, और उसके बाद अगर फ्लाइट का ये दिवाले पर निकलना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है जी, जी। उसको लेकर मैंने चिट्ठी लिखा है, और मैंने स्मृति ईरानी से मैंने कहा ये हज के साथ मजाक मत कीजिए, हाजी भाइयों के साथ मजाक कीजिएगा, जिसने भी मजाक किया बर्बाद हुआ है, पेमेंट ले लिए हैं जी, वो यार बेचे ना बेचे दिवालियापन निकले हुआ आप समझिएगा जी, हमको जहाज चाहिए, हमें फ्लाइट चाहिए जी, झारखंड याद रखिए ठीक है, अगर गो एयर नहीं है तो स्पेशल फ्लाइट आप दीजिए, नहीं दीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा, तो उस पर कोई भी अंतिम सहमति नहीं बनी, नहीं अभी देखिए अभी 21 तक अभी समय है, अभी बताया जा रहा है कि अगर गो एयर नहीं तो कोई विकल्प होगा जी जी, हमने पेमेंट दिया है, ऐसा नहीं कि आप एक साजिश करके हमारे हाजी को बदनाम कीजिएगा और पैसा लेके कहेगा नहीं जाओ जी, ये भी एक चिंता का विषय है। एक सवाल ये है कि आज की बैठक में मंत्री आलमगीर आलम साहब, देखिए मैं ये कहूँगा कि हज कमेटी एक बड़ी संस्था है जी, और इस संस्था को तभी हम बड़ा व्याख्या दे सकते हैं, बड़ा बना झारखंड में ला सकते हैं जब सबों की भूमिका हो, इसमें जो मंत्री नहीं आए उनको आना चाहिए था, कुछ विधायक है उनको आना चाहिए था, क्योंकि अब हज में भेज रहे हैं और हाजी की दुआ ले रहे हैं, उसको सेटअप करना है, अपनी राय देते हैं, लेकिन नहीं आया कोई, लगता है कोई काम होगा, मंत्री है लोग हैं, कोई पत्रचार नहीं हुआ, दिल्ली में होती है जी, तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। एक आखिर सवाल, ये भवन जो रख रखा है वो तब तो मार्क नजर नहीं आ रही है, क्या नहीं, देखिए जब तक इसकी मान्यता नहीं दीजिएगा ठीक है, सेटअप संस्था नहीं चल पाएगी ना, संस्था चलती है सरकार से, अपनी सरकार इस तरह की बात करना, नहीं सरकार को हम लोग बताएंगे, अब लगता है कि समय आ गया है। देखिए अभी लगभग 2800 हाजियों को हम लोग भेज रहे हैं जी, कितना चैलेंज, रात दिन हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, एकदम दिन रात सबका पासपोर्ट लाना, पासपोर्ट के लिए बम्बई भेजना, अब 2700 पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, पुलिस चेक करती है कहाँ से लाए पासपोर्ट भाई, बहुत सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, दिन रात में लगा दिया काम करने के लिए, अभी हम भाड़े पे लड़का को ले रहे हैं, करीब कितना ले रहे हैं कुर्सी, 62 लोगों को अभी हम लोग इक्वायर कर रहे हैं, उसको पैसा देंगे। अच्छा, तो जब तक सेटअप हो जाता है, यहाँ मान्यता मिल जाता है, तो हमारे लोग यहाँ काम करते जी जी, कॉन्स्टेंट होता, नौकरियाँ मिल जाती है लड़कों लोगों को जी, तो ये बात तो हम रखेंगे सीएम साहब को, 8 तारीख को हम लोग सोचता है, हम लगता है कि बात को रखेंगे और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा जी। तो आपने सुना, ये थे झारखंड राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष इरफान अंसारी, कहा कि जिन मंत्रियों को जिन विधायक दिया गया था उन्हें आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नाराजगी जाहिर की है।